सबसे पहले बात करते हैं क्विक प्रीव्यू यानी कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MIUI 11 के सपोर्टेड डिवाइसेस के बारे में, यानी कि किन किन डिवाइसेस में MIUI 11 का अपडेट मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे MIUI 11 के लॉन्च डेट के बारे में, यानी कि MIUI 11 आप कब तक अपने डिवाइस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे MIUI 11 के कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्टेड डिवाइसेस की, यानी कि कौन कौन से डिवाइसेस में MIUI 11 का अपडेट आएगा। तो आप अभी स्क्रीन पर कुछ डिवाइसेस देख सकते हैं, इन डिवाइसेस में MIUI 11 का अपडेट कंफर्म आएगा। इनके अलावा अगर बात करें बाकी डिवाइसेस की, तो Redmi Note 4, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi Y2, Redmi S2, Mi 6X, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Poco F1, Mi 8, Mi 8 SE, ये सभी काफी फेमस डिवाइसेस हैं और इन सभी डिवाइसेस में MIUI 11 का अपडेट जरूर आएगा। अगर एक रफ आइडिया की बात करें तो अगर आपका डिवाइस 2017 से पहले लॉन्च हुआ है, यानी कि 2016 या 2015 में, तो आपके डिवाइस में MIUI 11 का अपडेट आना थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर आपका डिवाइस 2017, 2018 या 2019 में लॉन्च हुआ है, तो आपके डिवाइस में MIUI 11 के अपडेट आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में नहीं है तो कोई बात नहीं, इस लिस्ट में और भी डिवाइसेस ऐड होंगे जैसे जैसे MIUI 11 की लॉन्च डेट नज़दीक आएगी। अगर इसमें आपका स्मार्टफोन ऐड होता है, यानी कि अगर इस लिस्ट में इन डिवाइसेस के अलावा कोई और स्मार्टफोन ऐड होता है, तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब अगर बात करें MIUI 11 के लॉन्च डेट की, तो ये बात तो हम सभी को पता है कि MIUI 11 सबसे पहले लॉन्च होगी चाइना में और उसके 2 या 3 महीने बाद लॉन्च होगी इंडिया में। अगर हम बात करें MIUI 10 की, तो MIUI 10 की डेवलपमेंट 2018 में काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी और जुलाई में MIUI 10 की बीटा रोल आउट चाइना में शुरू हो गई थी। तो इस बार MIUI 11 के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी कि जुलाई या अगस्त के अराउंड हमें MIUI 11 की बीटा रॉम्स देखने को मिलेंगी और हम इन रॉम्स को अपने सपोर्टेड डिवाइसेस पर फ्लैश भी कर पाएंगे। और अगर बात करें MIUI 11 के स्टेबल रॉम्स की, तो इंडिया में MIUI 11 की स्टेबल अपडेट्स अक्टूबर में मिलना शुरू होगा और धीरे धीरे सभी सपोर्टेड डिवाइसेस के लिए MIUI 11 की अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आप MIUI 11 के चेंजेस और नए फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर अगर आपको क्विक समरी देनी हो, तो MIUI 11 में MIUI 10 के मुकाबले बहुत सारे चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि चेंजेस काफ़ी कम होंगे। पर जो भी चेंजेस होंगे, वो चेंजेस आपके डिवाइस को ऑप्टिमाइज करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MIUI 11 Android Pie 9. बेस्ड होने वाली है, इसलिए MIUI 11 में आपको Android Pie बेस्ड न्यू नेविगेशन बार देखने को मिल सकता है। यानी कि इस नए नेविगेशन बार में होगा एक होम बटन और एक पावर बटन, बिल्कुल एंड्रॉयड पाई की तरह। पर इस फीचर को आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप नेविगेशन बार यूज कर रहे हो। अगर आप MIUI के स्टैंडर्ड जेस्चर्स यूज करते हैं, तो आप इस फीचर को यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको MIUI 11 में कई अंडर द हुड चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे MIUI 11 में आपको बेटर रैम मैनेजमेंट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपका मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस और तो और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा और आप बहुत से ऐप्स एक ही समय पर और भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ बेटर मेमोरी मैनेजमेंट भी देखने को मिलेगी। MIUI 11 में आपको अच्छा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपके डिवाइस की बैटरी MIUI 10 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चलेगी। MIUI 10 में आपको AI का सपोर्ट देखने को मिला था और MIUI 11 के साथ ये और भी बेहतर हो जाएगा, यानी कि आपके हर डिवाइस एक्टिविटी में आपको AI मदद करेगी, जिससे आपको बेटर बैटरी, फास्ट ऐप ओपनिंग टाइम देखने को मिलेगा। तो चलिए अब करते हैं MIUI 11 का इंतज़ार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही MIUI 11 से रिलेटेड नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको MIUI 11 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया, तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ वो रीज़न हमारे साथ शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाए। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ राज और मिलते हैं।